नमस्कार जी, मैं मंजू। मैं अपनी किसी बहन की फरमाइश पर न्यू बॉर्न बेबी के लिए बुटीज बनाना सिखाऊंगी। तो आप दो कलर के कंट्रास्ट से इसको बना सकते हैं जो कि कलर उबर के आए। तो एक कलर से इसको हम इसलिए नहीं बना सकते कि जो हम ये सेंटर में डिज़ाइन देते हैं, हमने शुरुआत कैसे करनी है। जैसे यहाँ से, ये यहाँ से शुरुआत की है, तो यहाँ से हमने ये सिलाई की है, एक स्ट्रिप बनानी है। तो ये पूरी स्ट्रिप मैंने ये अपने हाथ जितनी इतनी बनाई है। तो आप थोड़ा बड़ा बनाना चाहें, बड़ा भी बना सकते हैं। तो यहाँ से ये स्ट्रिप स्टार्ट होती हुई ये सेंटर में आता है। तो जो सेंटर में हम बीच में डिज़ाइन जब देते हैं, मैं बनाना सिखाऊंगी। तो जब ये दो कलर का होता है तो फिर हम इजिली इसे बना सकते हैं। तो एक कलर से हमें जो है थोड़ी असुविधा हो सकती है इसलिए। तो फिर जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, सेम ये फिर सेंटर में जैसे मैं बनाना सिखाऊंगी यहाँ तक खत्म होगा, और फिर ये वाला हिस्सा जो शुरुआत का, ये यहाँ से बनेगा। तो एक ही स्ट्रिप में ये पूरा बना है। फिर बाद में हमने ये नीचे सिलाई करी है और ऊपर का डिज़ाइन बनाया। बहुत ही आसान है। तो इसे कैसे स्टार्ट करना है, आप जो इस बूटी को है बड़ा भी बना सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं। तो आप अपने अंदाजे से देख लें, अगर बहुत छोटे बच्चे के लिए बनाना है। मैंने तो बीच के हिसाब से जैसे बनाया है, थोड़ा सा बड़ा बनाया है। तो जो आपने फंदे लेने हैं वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं अभी बनाना आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है। तो मैंने ये जैसे फंदे डाले हैं शुरू में, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, ये फंदे जो दिख रहे हैं मैंने, ये ऊपर का नहीं, ये डबल क्रोशिए से मैंने ये ऊपर वाला हिस्सा जो बाद में ये बुनाई की है, इस ये जो बुट्टी बन जाने के बाद ये वाला हिस्सा, ये यहाँ से हमने लिए हैं 18 फंदे लिए हैं मैंने। 18 फंदे लेने के बाद फिर ये जो आपको ये लाइनें जैसे ये दिख रही हैं, ये ऐसे, ये आप 12 बना लेना। मैंने 12 बनाई हैं। जब ये एक लाइन उबर के आती है तो हमारी जो है ये दो सिलाई चलती है, फिर ये लाइन उबर के आती है। ये 12 लाइनें हैं तो आपको 24 मतलब लेनी पड़ेंगी, 24 बारी बुनाई करनी है। और सीधी सिलाई से पूरा डिज़ाइन सीधी सिलाई से है, यहाँ से लेके पूरा एंड तक सीधी सिलाई का डिज़ाइन है, सीधी सिलाई से काम होगा ये। तो ये आप सिर्फ ये 12 गिन लेना ऐसे, 1 2 3 4, ये पूरे ऐसे करके 12 गिन लेना। फिर हम ये वाला धागा जो क्रीम कलर मैंने लगाया, ये किस तरह से लगाना है ये जो बताना, ये बताऊंगी फिर मैं आपको। पहले ये मैं बताती हूँ, ये मैंने फंदे 18 फंदे ले लिए हैं मैंने इसमें। तो इस नाप का बनाना है आपने तो 18 फंदे ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं, बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं, तो फिर जैसे ये इसमें भी, ये लंबाई में मैं भी बताऊंगी। लंबाई में जैसे मैंने ये 12 ये रखी हैं, ये लाइनें 12 जैसे ये पड़ी हैं, ये लाइनें डिज़ाइनदार, ये लाइनें देख रहे हैं ऐसे, ये ऐसे 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 मैंने 12 रखी हैं एक कलर की। तो आप इनको 12 के बजाय आप 18 भी रख सकते हैं। तो जब 18 रखेंगे तो फिर आपका ये नेचुरली ये बड़ा बन जाएगा, ये ऐसे बड़ा हो जाएगा। और ये जैसे ये नीचे से ऐसे आ रहा है ना, इस तरह से आ रहा है, सिलाई बुनाई की हमने। तो जैसे हमने, मैंने ये 18 फंदे लिए हैं, तो 18 फंदे से ये इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो जब हम थोड़े ज़्यादा ले लेंगे तो फिर ये नेचुरली ये बड़ा हो जाएगा, ये ऐसे होगा। पर ये छोटे बच्चे के लिए है, तो फिर आप छोटे बच्चे का बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से बनाएं। फिर आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप जितने मर्जी बड़ा या छोटा ऐसे कर सकते हैं अपने अंदाजे से। तो ये मैंने फंदे जो लिए हैं, 18 ले लिए हैं, और मैं ये फंदे आपको डालना आते होंगे, और 10 नंबर की सिलाई में आपने ये बनाना है। तो सीधी जैसे ये सीधा हम ऐसे बुनते हैं, ऐसे इस तरह से, ये पूरा डिज़ाइन हमारा ऐसे चलेगा। उल्टी सिलाई में भी हमने सीधा ही बुनना है, बस ऐसे, ये इस तरह से, ये आप देख पा रहे हैं ऐसे, ये इस तरह से किया, ये फंदा, फंदे को ऐसे सिलाई इस तरह से पिरोई, फिर ऐसे निकाला, ये इस तरह से, ये ऐसे। तो ये पूरी सिलाई ऐसे लेनी है। उल्टी सिलाई में भी आपने ये सीधी सिलाइयां लेते जाना, बस सीधी इसी तरह से। उल्टी सिलाई ऐसी होती है, ये इस तरफ को, ये इस तरफ को ऐसे लेते हैं, जब हम ये ऐसे लेते हैं तो ये
उल्टी सिलाई होती है, ये उल्टी, तो हमें, हम सीधी ले रहे हैं तो हम सीधी, फिर ये सिर्फ मैं बताने के लिए आपको दिखा रही हूँ, तो सीधी हमें बस इसी तरह से लेनी है, सारी सिलाइयाँ ऐसे ही लेनी है, ये पूरा डिज़ाइन ऐसे बनाना है, ये ऐसी सीधी सिलाई। तो अब मैं ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए सीधे मुद्दे पे आती हूँ। मैंने ये जो है इस तरह से, ये 12 पूरे मैंने ये ले लिए हैं, और 12 जब हम ये, आप अपनी मर्जी से देख लेना कितना, 13, 14 या 15 कितने बनाने हैं, ये इतना आया मेरा। और ये जो पूरा डिज़ाइन, ये फिर यहाँ से लेके ऐसे, और सेंटर में थोड़ा ये अलग बनेगा, फिर ये वाली चीज़ ये यहाँ पे आएगी, फिर आगे मैं बताऊँगी। अब ये हमारे ये पूरे, ये मेरे 12 हो गए हैं, ये 12 के बाद फिर हमने क्या करना है, ये कलर कैसे लगाना है, तो ये दूसरा कलर मैंने ये क्रीम कलर लिया है इस तरह से। ये हमें 4 फंदे हैं, 4 या 5 जितने भी आप रखना चाहें, ये वाले जो ये डिज़ाइन देख रहे हैं ना, ये यहाँ से वाइट कलर है, ये वाला डिज़ाइन है, ये वाला आएगा, तो 4 हमें जो फंदे हैं ये ऐसे उतार लेने हैं, एक और ये बुनने नहीं है, बस मैं दोबारा एक बार समझा देती हूँ, जैसे ये है ना एंड वाले, अब ये इसको बुनना नहीं है, ये हाँ, ये एक, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 हमने ले लिए पिरो लिए बिना बुने, और उसके बाद हमने ये सफ़ेद रंग लगाना है, ये क्रीम कलर सॉरी, ये ऐसे लगाना है जैसे ये घर पिरोया, और ये ऐसे, ये इस तरह से थोड़ा सा ये आपको धागा ये छोड़ना है, ये ताकि हमारा निकल ना पाए, निकले ना वो, ऐसे इस तरह से ये सफ़ेद रंग पूरी सिलाई ऐसे चलनी है। फिर ये दूसरा, और ये साथ में साथ इसको, ये सफ़ेद धागे को भी ना साथ में बुनाई में करते जाएंगे, ताकि ये हमारा खींचे नहीं, इस तरह से कर लेना आपने, ये ऐसे इस तरह से, ये देख पा रहे हैं ऐसे, ये पूरा ऐसे ये निकाल लेना, फिर ऐसे किया और ये सफ़ेद धागे को ये ऐसे, ये पूरी सिलाई हमें इसकी देनी है, ये एक सफ़ेद रंग की पूरी एंड तक बनानी है, बहुत ही इजी डिज़ाइन है, और ये आप बड़े भी इसमें 2 रंग के बना सकते हैं, तो बस सीधी सीधी सिलाई से चलेगा ये इस तरह से। ये देखा, और अब जे ये वाला मैंने बताया ना आपको, ये उल्टी सिलाई भी जब ये आएगी, तो उल्टी सिलाई में भी हमने, ओ सॉरी, ये जो धागा है एक्स्ट्रा, ये हम काट लेते हैं यहाँ से, ये उल्टी सिलाई में भी ये सीधा ही चलना है, तभी ये हमारी इस तरह का डिज़ाइन ऐसे ऐसे आएगा, ये जो जैसे आ रहा ना, ये देख रहे हैं ना, ये इस तरह का डिज़ाइन दोनों तरफ से ऐसे आएगा, पर सीधा हमारा ये है, ये आप ये देख लेना, ये उभरा हुआ ये फिनिशिंग देख लेना, और उल्टी साइड ये ऐसे होता है इस तरह से, तो ये है उल्टी साइड, पर ये सिलाई हमने सीधी ही लगानी है, सारे सीधे से, और पहला घर ये बिना बुने ही ऐसे उतारते हैं, ये इस तरह से, ये पूरा बुनते जाना है, और ये बीच के जो हमें सफेद सिलाइयां हैं ये मैंने 10 रखी हैं, ये सीधी सिलाई में भी ये सफ़ेद आएगा और उल्टी सिलाई में भी सफ़ेद आएगा, तो फिर वो हमारी जो है एक लाइन बनेगी, ये इस तरह से, बस यही थोड़ा सा समझना आपको, फिर आपका डिज़ाइन अच्छे से चल पड़ेगा, ये ये हमने बुन लिया यहां तक। अब हमें क्या करना है, ये जो धागा ये यहाँ पे हमारा होल ना पड़े, तो हमें अब ये जो ये 4 घर हमने छोड़े हैं, तो ये कैसे करने हैं, एक घर ये ऐसे लेना है,
अब धागे को ऐसे नहीं छोड़ना है इसको, ये एक घर ऐसे लेना है, ये पिरो लिया सिलाई में, और फिर ये धागे को इस तरह से ये लपेट के ऐसे इस तरफ कर लेना है, ताकि ये जो हमारा, अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पे होल आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो तीन है ये ऐसे ही पिरो लेने हैं, एक दो और ये तीन, और एक तो मैंने ये बता दिया, चारों हो गए, ये हो गए, और हमें ये वर्क को टर्न करना है, ये टर्न कर लिया, ये देखा इस तरह से आना है हमारा। और अब ये पूरी सिलाई, अब कुछ नहीं करना है, ये पूरी जो सिलाई है इस धागे की आएगी, ये सीधे में भी उल्टे में भी, और सिलाइयाँ सीधी सीधी चलनी है पूरी। और एक घर जो बिना जो बनाए ऐसे ही उतार लेना है, और बाकी फिर सीधी सिलाई पूरी ऐसे करनी है। ये देख रहे हैं आप कितना आसान है ये बनाना, बहुत ही इजी। ये ऐसे, तो ये हमारी ये पूरी वाली ये ग्रीन धागा हो गया, और जब ये उल्टी सिलाई आती है तो दो से ही ये एक, ये ऐसे बनती है लाइन, इस तरह की बनती है। तो उल्टी सिलाई भी जो है हमारी सीधी सीधी सिलाई ही पे काम चलेगा, उल्टी पे भी ये इसी रंग की आएगी ऐसे। इसे मैं बनाती हूँ पूरी एंड तक बनेगी ये, यहाँ तक, ये यहाँ तक पूरी बनेगी। अब फिर जो हमें चार फंदे, ये अब पूरी सिलाई ये हो गई है, चार फंदे हमें बिना बुनाए ऐसे ही छोड़ लेने हैं सिलाई पे, ये चढ़ा लेने हैं, दो ये तीन ये चार, और अब ये वाइट कलर की ये बनेगी, लाइन बनेगी, तो ये ऐसे सीधे और इस तरफ ऐसे, ये तो इस तरह से हमें पूरी 10 बनानी है। जैसे ये एक बनाई ना, तो फिर ये पूरी गिन के हमें 10 बनानी है, ये 10 बनानी है, ये पूरी 10 गिननी है। अब जब 10 बन जाती हैं फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। तो एक बार मैं फिर ये बता देती हूँ, जैसे सफ़ेद धागे की ये दूसरी वाली लाइन भी पूरी हो गई है, तो इसको कैसे हमने छोड़ना है, ये सीधे ऐसे नहीं छोड़ना है, गड्ढा पड़ जाएगा, इसलिए हमें ये धागा, ये जो चार जो हम ये स्टिच छोड़ रहे हैं ना, तो ये एक पहले ये इसको ऐसे पिरो के, पिरोने के बाद ये पिरो लिया, और उसके बाद फिर ये धागे को ये इसके ऊपर सिलाई के ऊपर ऐसे ये इस तरह से, ताकि गड्ढा ना पड़े, और फिर ये बाकी के बचे तीनों भी ऐसे सिलाई में पिरो लेने हैं, ऐसे पिरो लेने हैं, और बस ये पूरा का पूरा फिर ऐसे ही चलना है। हर बार जब ये सफ़ेद का जो ये लाइन जो दूसरी तरफ जब आएगी, दूसरी वाली जो धागा छोड़ना है, इसी तरह से करना है आप। तो मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे, और मैं बना लेती हूँ, फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा नहीं तो। एक बारी मैं आपको और समझाती हूँ, ये नौ हमारी जो है ये रोज़ बन के तैयार हो गई हैं ये पूरी, और ये हमें जो ये ग्रीन कलर, जब ये चार स्टिच हम छोड़ते हैं आगे के, तो कब छोड़ने हैं, जब ये क्रीम कलर की हमारी ये बारी आती है तब छोड़ने हैं। और हर रो में ये, इसमें भी दो जो है सिलाइयों से ये बना है, ये भी ग्रीन वाला भी दो से बना, ये सब दो दो सिलाइयों से ये बने हैं ऐसे। तो अब एक बारी और बता देती हूँ कि ये लास्ट में जो रो नंबर 10 बन रही है, तो ये कैसे बनानी है। जब ये वाइट वाले की हमारी ये बारी आनी है अभी इधर, तो हमें तब उस टाइम हमें क्या करना है, ये चार स्टिच हैं जो बिना बुनाई के ये लेने हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैंने ये बता दिया है, दो ये तीन और ये चार, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये वाइट वाले धागे से बनेगा, ये सीधी तरफ भी ये एक पूरी लाइन बनेगी वाइट की, और डिजाइन के उल्टी तरफ भी ये वाइट आएगा ऐसे। तो अब मैं बना के फिर बताती हूँ लास्ट वाला, ये चल रहा हमारा, ये सिलाई चाहे वाइट की हो, क्रीम कलर की, चाहे ग्रीन की। अब ये जो सीधे की तरफ, ये जो सीधा डिजाइन है, सीधे की तरफ भी एक सिलाई, और जब वर्क को टर्न करना है, ये उल्टी साइड, जो ये उल्टी तरफ डिजाइन है,
तो इसमें भी फिर ये वाइट धागा जो ये साइड पे है तो वाइट ही चलेगी दूसरी सिलाई भी, और जब ग्रीन बनाएंगे तो पूरी ग्रीन सीधी तरफ भी और उल्टी तरफ भी, सॉरी ये बिना बुनाए एक हमें ऐसे उठा लेना है सिलाइयों में, ये भी सीधी सिलाई चलेगी। तो ये फिर आगे बताती हूँ मैं आपको। अब ये हमारे ये 10 रो पूरी हो गई है, ये उल्टी साइड है। तो अब हमें जो है ये धागा इसी तरह से ये घर ऐसे इस तरह से करके, और फिर वाइट को इस तरह से ये ऐसे लेके, और फिर लंबा थोड़ा ये काट लेना है, ये बुनाई में हम कर लेंगे आगे। ये यहाँ से ऐसे काट लेना है, ऐसे काट लेना है करके। अब पूरा जो डिज़ाइन है ये अभी तो ऐसे ही हमने उतारना है, ये हो गया। और अब पूरा डिज़ाइन ये जो है पूरा ऐसे, जैसे ये है ना हमारा ये बना है, ये 12 ये ऐसे बनी है, ये आगे ऊपर चलेंगी बस इस तरह से। तो ये एक बिना बुने जो हमने ये दो दो लाइनें जो कम की हैं, तो इस तरह से डिज़ाइन सीधे के बजाय फिर ये ऐसे इस तरह से ये आ जाता है। ये जो सिलाइयाँ हमने यहाँ ये ग्रीन कलर की कम की थी बिना बुनाए जो हमने चढ़ाई थी, तो इस तरह से फिर ये ऐसे शेप आती है उससे। अब हमने बस ऐसे पूरा अब ग्रीन बनते जाना है हमारा। 24 लाइनें आएंगी तभी हमारे 12 जो है उस तरह की जो है लाइनें बनेंगी ऐसे। और अब जो ये धागा छोड़ा है ना हमने ये वाइट वाला, तो इसको भी ऐसे ले लेना बुनाई में, ताकि ये निकले नहीं हमारा ऐसे ऐसे। ये फिर ऐसे इस तरह से लपेट के, ये आपको आता ही होगा, मुझे बताने की क्या जरूरत है। अब ये पूरा इस तरह से ये जितनी ये 12 ये रो बनी है, ये हमारी ये 12 आई हैं, तो ये हमें ये पूरी बनानी है। ये जब मैं बनाती हूँ फिर उसको बंद कर देना है। ये हमारी पूरी स्ट्रिप ये तैयार हो गई है बन के। जैसे यहाँ पे मैंने जो बनाई है ये इस तरह से, ये 12 लाइनें हैं, और ये जो वाइट कलर जो क्रीम है ये 10 हैं, और बीच में ये ग्रीन 9 है, और फिर 12 ही इधर हैं। और अब हमें इसे बंद करना है। तो बंद कैसे करना है, जैसे आप कोई भी वो स्वेटर बनाते हो तो बंद करते हो, जैसे ये एक घर उठाया और ये दूसरा, फिर ये सीधे में बुनाई की ऐसे, और फिर ये पहले वाला घर ये ऐसे उठाया और इसमें से ये ऐसे निकाला, और सब फिर अगला घर ऐसे सीधे बुना, ऐसे बुना, फिर ये जो घर ये पीछे वाला इसमें से ये जो बुना घर इसको निकाला ऐसे। ये आपका ये बंद होता जाएगा, ये पूरा ये ख़त्म हो जाएगा। ये तो मैं ये पूरा कर लेती हूँ, ये आपको आता होगा, फिर आगे बताती हूँ कि मैं क्या करना है। अब ये देख रहे हैं ये यहाँ पे हमने जो ये फंदे डाले थे यहाँ से, तो ये धागा बच गया था, तो यहीं से इसी धागे से अब हम सिलाई कर देंगे। तो सिलाई कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से इतना काट के, और ये जो ऊपर जो जैसे ये वाइट का डिज़ाइन शुरू किया था, ये ऊपर का हिस्सा आएगा, और उल्टी तरफ से ये, उल्टी तरफ से ये ऐसे हमने ये वाला हिस्सा छोड़ देना ऊपर की तरफ, और यहाँ से सिलाई करते हुए ये पूरी यहाँ तक ऐसे हमने सिल लेना है। ये यहाँ से फंदे ये डाले थे, यहाँ से ये यहाँ पे कर सिल लेना है। अभी बताते हैं। तो सिलाई ऐसे करनी है, सुई चाहे मैटी की ले लें चाहे इस तरह से बड़ी सुई ले लें। तो धागा ये मैंने पिरो दिया है, और एक फंदा यहाँ से ये जो बंद है यहाँ से उठाना है, और एक इधर से उठाना है। ये इस तरह से ये ऐसे सिलते जाना, जैसे कि सिलते हैं ये इस तरह से, और ये धागा भी साथ में बीच में कर देना है। ये इस तरह से पूरा हमें ये सिल लेना है ऐसे। एक इधर से उठाया ये, और एक इधर से उठाया, और ये बन गया। ये ऐसे सिलाई करनी है। ये एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, ये दोनों तरफ से ये ऐसे, ये देख रहे हैं ना, ये इस तरह से ये ऐसे। फिर धागे को धीरे धीरे खींचना है। तो ये यहाँ से ये यहाँ तक मैं जब करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। ये मैंने पूरी सिलाई कर ली, ये यहाँ से लेके यहाँ बंद कर दिया है, और अब हम इसे सीधा करेंगे ऐसे।
इस तरह से, ये इस तरह से सीधा करेंगे तो ये आगे की तरफ ये ऐसे डिज़ाइन आएगा, ये ऐसे आएगा। और ये अब ये खुला है तो अब हम क्या करेंगे इसको, ये यहाँ से ये वाइट कलर का और ये यहाँ पे वाइट कलर के क्रीम कलर का जो डिज़ाइन दिया है तो सुई की मदद से ये इधर से धागा ऐसे ऐसे पिरो लेंगे, इस तरह से धागा पिरोएंगे। और ये धागा ऐसे पिरोते हुए फिर इसको ये थोड़ा सा टाइट करेंगे ताकि थोड़ा ऐसे ये इस तरह से निकालते हुए ये धीरे धीरे ऐसे निकालो, ऐसे ऐसे निकालो। फिर इसको खींचना है तो मैं बताती हूँ अभी आपको। ये धागा मैंने ये अंदर की तरफ से ये ऐसे पिरोना है, ऐसे ऐसे से करते ये पिरो लिया, ये हमारी सुई है। तो अब हम इसे थोड़ा सा खींच के ये अंदर की तरफ से ये ऐसे खींच के गुलाई में इसको ऐसे टाइट कर देना है, ऐसे जैसे पोटली जैसे बांधते हैं ना उस तरह से ये बांध देना है, इसको टाइट कर देना है ये ऐसे ऐसे गांठ दे के इस तरह से ये ऐसे। और ये कैंची की मदद से काट लेना है तो ये इस तरह से शेप आती है। फिर ये देखा जूते की शेप बनी, ये इतना पाँव आ जाएगा और ये जूते की शेप। तो चाहे तो आप ऐसे कुछ इधर बटन टांग सकते हैं या कुछ या यहाँ पे रिबन पिरो सकते हैं, डोरी कुछ भी, चाहे इलास्टिक थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये क्रोशिए का डबल क्रोशिए का ये किया बनाया है ऊपर, और इसमें चाहे पिरोना चाहे पिरो दें और नहीं पिरोना चाहे तो ना पिरोएं। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, और ये इस धागे को हम सुई से सुई की मदद से यहाँ पे कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। अब मैं जो ये क्रीम कलर का जो धागा है डबल क्रोशिया मैंने ये किया है इसमें, क्योंकि ये बड़ा अच्छा ऐसे बॉर्डर लग रहा है। फिर हम ये इसमें इस तरह का, चाहे ये कोई फूल बना लें आप, चाहे कोई बटन अच्छा सा लगा लें, जो आपका मन करे आप ऐसे बना सकते हैं। तो बहुत ही प्यारे लगते हैं ये, तो बनाना बहुत ही ये आसान है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर दीजिए ये। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ ये डबल क्रोशिया का कैसे बनाना है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर लें, चाहे पीछे से कर लें स्टार्ट जहाँ से बंद किया है। ये धागा ऐसे खींचते हुए लूप बना लेनी है, धागे को ठीक से मैं खींच नहीं पाई हूँ ये, चलो यहाँ से करते हैं स्टार्ट। ये ऐसे करके ये धागे को फिर ये ऐसे खींच लेना है, ऐसे लूप बनानी है। तो इसको बुनाई में हम कर लेंगे साथ में, ये ऐसे पहले एक ऐसे स्टिच टाइट कर लो। अब डबल क्रोशिया चलना है हर उसमें, ये इसी में ऐसे ये डबल क्रोशिया, फिर ऐसे धागे को रैप किया, फिर ये नीचे वाला धागा भी साथ ही चल रहा है, ये इस तरह से ये ऐसे डबल क्रोशिया, फिर धागे को रैप किया, डबल क्रोशिया मैंने बताया ना आपको इस तरह से। तो ये हम राउंड शेप में पूरा ये ऐसे बना लेते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। इस तरह से ये क्रोशिए का ये मैंने ऊपर का पूरा ये बना दिया है, मैंने जल्दी जल्दी में बनाया है, आप अच्छी फिनिशिंग दे लें। और अब अगर कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो ठीक है, कुछ लगाना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी, तो ऐसे भी आप ये इसको ये पहना सकते हैं। तो मैं ये ऐसे करके जैसे मैंने ये यहाँ पे लगाया है इस तरह से ये मैंने एक बना के ये रखा हुआ है, तो मैं ये लगा दे रही हूँ ताकि वीडियो, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है तो फिर ये मेरी बहनों को शिकायत हो जाएगी कि बहुत ये इस तरह से, ये देखो कितनी शो आ गई इसकी। तो ये मैं इसको अच्छे से लगा देती हूँ, फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ कि कितना प्यारा बना है ये। तो आपने देखा ये सुंदर बूटीज जो बनके तैयार हो गए हैं, और इसमें मैंने न्यूज़पेपर डाला हुआ है इसलिए इसकी ये शेप जो अच्छी लग रही है, तो इसको मैंने ऐसे ही रखा है। तो इसलिए मैं ये बुनाई के ज़्यादातर डालती नहीं हूँ क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो ये मेरी किसी बहन की फरमाइश थी, तो मैंने कहा उन्होंने बहुत बोला है तो चलो बनाई दो, तो हो सकता मैं ये डालती ही नहीं वीडियो, बस उन्हीं के लिए ये मैंने डाला है।
तो करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आया होगा। नमस्ते जी, शुक्रिया।